बस लुकिया लुकिया लेफ्ट मेरी क्रिसमस क्या हाल कैसे भाई सब देख रहे हो लेफ्ट 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 ये गुरु से यहाँ पे मैडम जी सर यहाँ पे गुरु भाई अभिषेक अभिषेक Thank you.
जो क्योंकि क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। सांता क्लॉज जी भी तुम्हारे साथ फोटो खींचना चाहते हैं। नहीं, अब इनको मैं लेके आया हूँ अपने साथ ही। घर में इनको सजाया, बहुत खिलाया, बहुत सारी गिफ्ट लेके आए बच्चों के लिए, तो इनको स्पेशली आप सब बच्चों के लिए लेके आया होंगे। हेलो बोलो इनको आप। अभी यहाँ पे सारे विनर्स हैं, है कोई ऑलमोस्ट क्यों हाँ बोल रहे कि ना? अच्छा तो आप लोगों को तो मिल गया सेल्फी। अच्छा जो विनर्स नहीं उन लोगों को नहीं मिला, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्रिसमस के ईव में सब विनर है और सेल्फी से ज्यादा आंखों का जो कैमरा है ना उसको खोल के अगर देखे तो सबसे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि फोन पे तो हम दिखते ही है हमेशा, है ना? और फोटो लेंगे प्रॉमिस सबके साथ। सबके साथ ऐसे प्रॉमिस करोगे तो बहुत है। तो हम लोग यहीं पे बैठ जाते हैं शादी में। जैसे मुझे अभी एक्चुअली ऐसा ऐसा एहसास हो रहा है कि शादी में जब होता है रिसेप्शन होता है ना, आप खड़े रहते हो और सबके साथ फोटो खींचना पड़ता है, पर उससे ज्यादा मजा होता है जब आप फैंस के साथ होते हो। वो जो मजा है ना वो मुझे लगता नहीं कि कहीं भी आ सकता है। चलो अभी अभी क्या होगा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिफ्ट। वो अंकल भी हाथ उठा रहे हैं, वो भी आपको लेके जाना चाहते हैं। इनको उठा के फेंक देते हैं चॉकलेट के जैसे, जो भी कैच करेंगे वो घर लेके चले जाओ। तो शैल वी स्टार्ट विद द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। ऋषभ के लिए सब लोग तालियां बजा दीजिए, इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं दे सकता। ऋत्विक शाह प्लीज कम अप। ऋत्विक शाह वेरी गुड। नेक्स्ट आई कॉल अजान। अजान प्लीज कम एंड जस्ट कलेक्ट योर प्राइज। ओके अरकन, अरकन अरकन जस्ट कम एंड जस्ट कलेक्ट योर प्राइज। प्रिंस नेहा, प्रिंस नेहा, प्रिंस नेहा। नेक्स्ट आरव देसाई, आरव देसाई। नेक्स्ट भाई बहुत ही मज़ेदार है। इससे पहले अलग फीलिंग होती थी, ऐसा लगता था कि यू नो एक इवेंट पे आए हैं, प्राइस दे रहे हैं, केक कटिंग कर रहे और जा रहे हैं। इस बार हम लोग सारे बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे थे और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। द इनोसेंस ऑफ द किड्स, इट्स सो मच फन। एंड मतलब मैं क्या बताऊँ, गुरमीत ने केक काटने के बाद बोला चलो बच्चों टूट पड़ो, और सारे बच्चे पहले सोचे कैसे टूट पड़ेंगे, तो सब ने हाथ डाल दिया इकट्ठा हर तरफ से। तो दिस इज़ द इनोसेंस ऑफ किड्स। और यू नो पहले ऐसा मतलब अलग लगता था और हम शायद इतना वो थोड़ा नज़रअंदाज करते और मतलब इस तरीके से नहीं देखते। अभी खुद के बच्चों के बाद ऐसा लग रहा है माय गॉड किड्स आर सो इनोसेंट, मतलब उनको जो बोला जाए वो कर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट द लव फॉर केक, इट्स अबाउट मतलब तुमने बोला ना तो उसने कर दिया राइट।
या सुपर एक्साइटेड यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि क्रिसमस के दिन हम लोग बच्चों के साथ, इतने सारे बच्चे, इतना सारा प्यार मिलता है, इनको देख के बड़ी खुशी मिलती है। और क्योंकि 31st को परफॉर्म कर रहे हैं कंट्री क्लब के लिए, तो ये इन सारे बच्चों से मिलना था और ये सारे बच्चे 31st में भी पहुँचने वाले हैं, तो आई थिंक ये जो साल की शुरुआत होने जा रही है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और ये अब तो बच्चों के साथ मिलके ऐसे भी बड़ा मज़ा आता है यार। मैं एक्चुअली कल इस्तांबुल में था, आज सुबह मैं पहुँचा हूँ, और पहुँचते ही मैं यहाँ पे आ गया। और एक्चुअली मुझे लग रहा था मैं बहुत काफ़ी थक गया हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग थी, लेकिन सबसे मिलके, आप सबसे मिलके बड़ा मज़ा आया। वेरी गुड, वेरी गुड यार। इस्तांबुल आई वॉज देयर फॉर 3 डेज, बट 3 दिन में जल्दी से काम खत्म करके मैं वापस आ गया। तैयारी तो देवीना, मैं देख रहा था देवीना घर पे तैयारी, मैंने अभी तक रिहर्सल स्टार्ट नहीं किया, देवीना रिहर्सल स्टार्ट कर चुकी है वो। मुझे अभी एक्चुअली कोप अप करना पड़ेगा देवीना के साथ, क्योंकि देवीना तो बहुत जल्दी कैच करते, बहुत जल्दी डांस सीख लेती है, उसके बाद मेरे पे चढ़ जाती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे इस बार इसीलिए मैंने बस सीखा और मैं भूल गई, ताकि मैं तुम्हारा साथ दे सकूं, तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत कर सकूं। बट इट इज़ फन एक्चुअली। डांस एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें बहुत मतलब मज़ा देता है, तो इसीलिए किया। और काफ़ी अच्छे रीसेंट डांस लिए, और उसमें से क्या बताओ, मतलब जो मुझे एक याद है वो है नागिन गिन 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 गिन, इतना भी रिसेंट नहीं है लेकिन काफ़ी हिट है, पॉपुलर है। और कौन सा है, और कौन सा है गुरु? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ना ना प्रेम पतन ना मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा। यार वी आर सुपर एक्साइटेड, क्योंकि 2 साल के बाद हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं, 2 साल के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ है और 2 साल के बाद सब लोग न्यू ईयर यू नो सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकलेंगे। तो आज का क्राउड देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज तो मतलब ऐसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 25th December में भी लोग इतने अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो लोग जब आज पहुँचे हैं तो फिर 31st को तो आई एम श्योर कि पीपल आर वेटिंग टू पार्टी समवेयर एंड दे हैव अ प्लेस टू पार्टी दिस टाइम। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. खुद ही अपने लिए ताली बजाओ। Thank you. Thank you.